हमारा देश भारत दुनिया के सबसे महान देशों में शुमार किया जाता है। भारत का इतिहास बहुत प्राचीन है। भारत को प्राचीन विश्व का विश्व गुरु कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि भारत ने पूरे विश्व को ज्ञान, शिक्षा, तकनीक सिखाई थी। लेकिन भारत ने ये सभी तकनीक, ज्ञान और शिक्षा उन लोगों से सीखी थी जो गिरी कंदरा पर्वतमाला में रहते थे और योग साधना करते थे। उसी योग साधना के बल पर उन्होंने एक अलौकिक ज्ञान प्राप्त किया और उस ज्ञान के दम पर उन्होंने पूरे विश्व में इसकी ज्योति फैलाई, आज की हमारी विकसित होती सभ्यता में अपना योगदान दिया। इन्हीं गिरी कंदरा और पहाड़ों में रहने वाले ऋषि मुनि तपस्वी महात्मा हजारों सालों तक तपस्या करते हैं, ऐसा हमारा मानना है। उन्हें गिरी पर्वत श्रृंखलाओं में से सबसे पवित्र पर्वत श्रृंखला हिमालय को माना जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि आज भी हजारों सालों की उम्र वाले साधु संत हिमालय की गहरी गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं। साथ ही ये माना जाता है कि यहाँ के कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और पार्वती अपने परिवार के साथ आज भी निवास करते हैं। हिमालय की पर्वत चोटियाँ हमेशा बर्फ से ढकी रहती है और इन्हीं बर्फ से ढकी हिमालय की पर्वत चोटियों के कारण भारत में कलकल बहती यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती जैसी नदियों का उद्गम होता है, जिसके कारण भारत के बड़े बड़े मैदानी भाग बनते होते हैं। और यही नदियां भारत, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार को पानी पिलाती है। इसी पर्वत श्रृंखला में दुनिया की अधिकतर सबसे ऊंची पर्वत चोटियां पाई जाती हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट भी हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही एक हिस्सा है। हिमालय की पर्वत श्रृंखला में माना जाता है कि आज भी यहाँ पर ऐसी ऐसी औषधियाँ पाई जाती हैं जो मानव को अमर बना सकती हैं। यहाँ पर ऐसी औषधियाँ पाई जाती है जिसकी वजह से मानव हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर हो सकता है, अपनी उम्र को बढ़ा सकता है, यहाँ तक कि वह बूढ़ा भी नहीं होगा। ये माना जाता है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में पाई जाने वाली औषधि और नदियां भगवान का पवित्र प्रसाद है। हिमालय पर्वत श्रृंखला को हिंदू धर्म शास्त्र में सबसे पवित्र पर्वत श्रृंखला माना जाता है। लेकिन साथ ही साथ भारत का उत्तरी पहरेदार भी हिमालय पर्वत श्रृंखला को माना जाता है। जब पूरी दुनिया में विदेशी आक्रमण की बाढ़ आई हुई थी, तब हिमालय पर्वत श्रृंखला ही थी जिसके कारण अधिकतर हमलावर भारत की तरफ नहीं आ पाए। हिमालय श्रृंखला का एक भाग जम्मू कश्मीर में भी आता है और इस कारण से इसे भारत का मुकुट भी कहा जाता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की इन सभी विशेष बातों के कारण इसका महत्व पर्वत श्रृंखला से बढ़कर धार्मिक ज्यादा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या हिमालय पर्वत कैसे बना? क्या ये हमेशा से यहीं पर था? क्या हिमालय पर्वत श्रृंखला पृथ्वी के जन्म के समय से यहाँ पर उपस्थित है? हिमालय पर्वत श्रृंखला का जन्म कैसे हुआ? तो इसका जवाब है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला हमेशा से यहाँ पर नहीं थी। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं इस पृथ्वी पर पाए जाने वाली पर्वत श्रृंखलाओं में से सबसे कम उम्र की पर्वत श्रृंखला है। लेकिन सबसे खास बात ये है कि ये पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इन पर्वत श्रृंखलाओं को देखकर प्रकृति के अद्भुत चमत्कार को नमस्कार करने का मन करता है। साथ ही साथ यहाँ पर रहने वाले लोग इन पर्वत श्रृंखलाओं की चोटियों को भगवान का स्थान मानते हैं। इस कारण से यहाँ पर अधिकतर चोटियों का नाम विभिन्न पौराणिक देवताओं के नाम पर रखा गया है। हिमालय पर्वत श्रृंखला लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है, तो वहीं इसकी चौड़ाई एक छोर से 120 किलोमीटर तथा दूसरे छोर पर 400 किलोमीटर तक है। संसार की अधिकतर सबसे ऊंची चोटियां हिमालय पर्वत श्रृंखला में ही पाई जाती है। यहाँ की सबसे प्रमुख पर्वत चोटियों के नाम इस तरह हैं: माउंट एवरेस्ट, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर सागरमाथा हिमाल, अन्नपूर्णा, शिवशंकर, गणे, लांगतंग, मानसूल, रोलवालिंग, जुगल, गौरी शंकर, कुंभू, धोलागिरी और कंचनजंगा। इसके अलावा हिमालय पर्वत श्रृंखला में 15,000 से भी ज्यादा ग्लेशियर है, जिसके कारण यहाँ पर पीने का शुद्ध पानी का एक भंडार है। इसी शुद्ध पानी की वजह से
यहाँ से सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यांगते जैसी वर्ष भर बहने वाली नदियाँ निकलती है। इसी पर्वत श्रृंखला में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर भी पाया जाता है, जिसे सियाचिन कहा जाता है। ये ग्लेशियर लगभग 72 किलोमीटर लंबा है। हिमालय एक तरीके से एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो भारत को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करती है। हिमालय का अध्ययन करने और इसके शुरुआती चरणों को लेकर के इसे तीन भागों में बांटा जा सकता है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। इन तीनों हिस्सों का विकास अलग अलग समय में हुआ था। इसके अलावा हिमालय दुनिया के 7 देशों में फैला हुआ है। ये म्यांमार, भूटान, चीन, नेपाल, भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक फैला हुआ है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी भाग जम्मू कश्मीर में तो पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश में आता है। इसके अलावा हिमालय हिंदू धर्म शास्त्रों में एक बड़ा ही धार्मिक महत्व रखता है। इस कारण यहाँ पर अनेक धार्मिक स्थल भी पाए जाते हैं, जैसे अमरनाथ, शाकंभरी, मानसरोवर कैलाश, ऋषिकेश, देवप्रयाग, गोमुख, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार। हिमालय हमेशा से यहाँ पर नहीं था। ऐसा माना जाता है कि आज जहाँ भारत है वहाँ पर पहले भारत नहीं था, और जहाँ पर हिमालय है वहाँ पर पहले हिमालय जैसी कोई भी पर्वत श्रृंखला नहीं थी। यहाँ पर विशाल महासागर था जिसका नाम तेथिस सागर था। हिमालय के जन्म के लिए हमें पृथ्वी के शुरुआती सालों में जाना होगा। शुरुआती समय में पृथ्वी एक पानी का गोला थी, जहाँ शुरुआती ब्रह्मांड काफी उथल पुथल भरी जगह था, और इसी उथल पुथल के कारण ही सूर्य, चंद्रमा, दूसरे ग्रह, पृथ्वी, हमारी मिल्की वे, आकाश गंगा और हजारों अरबों खरबों तारों का जन्म हुआ। इसी उथल पुथल के कारण पृथ्वी पर एक बार फिर से एक विनाशकारी घटना हुई और उसने जन्म दिया हिमालय को। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले, यानी प्री कैम्ब्रियन पीरियड, तो इस समय से पहले पृथ्वी पर चारों तरफ पानी ही पानी था। लेकिन आज से 2.4 अरब साल पहले पृथ्वी पर हिमयुग की शुरुआत हुई, जिसके कारण पृथ्वी पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देने लगी। पृथ्वी का वायुमंडल और पृथ्वी की सतह का तापमान अचानक तेजी के साथ गिरने लगा, और हर तरफ बर्फ की कई लाख किलोमीटर लंबी परत जमा होने लगी, जिसके कारण पानी से भरे दिखाई देने वाली पृथ्वी एक बर्फ का गोला बन गई थी। इस बर्फ से भरी पृथ्वी पर अनेक महाद्वीपों का जन्म हुआ। इस समय अनेक महाद्वीपों के बनने और बिगड़ने का सिलसिला चल रहा था। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले कोई भी महाद्वीप नहीं था। ये पूरा हिस्सा एक पूरी समतल जगह थी, ना अमेरिका था ना भारत, कुछ नहीं था। लेकिन फिर हिमयुग के बाद टेक्टोनिक प्लेटों में हलचल के कारण अनेक महाद्वीपों का जन्म होना शुरू हुआ। 1 अरब 10 करोड़ से 90 करोड़ साल के बीच लगातार होती हलचल से नए सबकॉन्टिनेंटल रोडीनिया महाद्वीप का जन्म हुआ। लेकिन पृथ्वी की यह हलचल अभी रुकी नहीं थी, और अभी अभी जन्मा रोडीनिया महाद्वीप इस हलचल की भेंट चढ़ गया, और लगभग 72 करोड़ साल पहले रोडीनिया नाम के महाद्वीप का अंत हो गया। इसके बाद एक बार फिर से पृथ्वी के तापमान में तेजी के साथ गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट के कारण पृथ्वी पर हर जगह तापमान में कमी आ गई। इस समय गिरते तापमान ने हिमयुग के जैसा असर तो नहीं किया, लेकिन फिर भी इसे पृथ्वी का सबसे ठंडा युग बना दिया। सबसे ठंडे युग को क्रायोजेनिक पीरियड भी कहते हैं। पृथ्वी पर लगातार चलती इस बदलाव की प्रक्रिया ने आज से लगभग 54 करोड़ साल पहले क्रैम्बियन टेरा नाम के एक नए युग को देखा। इस युग ने ही सबसे ज्यादा बदलाव किए और महाद्वीपों को जन्म दिया। क्रैम्बियन टेरा नाम का ये युग लगातार 149 सालों तक चलता रहा, जिसके कारण महाद्वीपों की शक्ल में बदलाव होता रहा, और महाद्वीप एक नई आकृति पैंजिया की शक्ल में मिलने लगे। पैंजिया की यह आकृति 48 करोड़ साल पहले तक सक्रिय था। इसके कारण अनेक बार महाद्वीपों की शक्ल बनती और बिगड़ती रही। लेकिन 17 करोड़ 50 लाख साल पहले पैंजिया एक बार फिर से टूट गया, और अब की बार टूटा ये पैंजिया दो दुनिया में बट गया, जिसके कारण दो बड़े महाद्वीपों का जन्म हुआ, गोंडवाना और लोरेसिया। इस तरीके से लगातार करोड़ों सालों तक चलते प्रोसेस ने समय समय पर
अनेक प्रकार के महाद्वीपों को बनाया और खत्म किया। आज से लगभग 12 करोड़ साल पहले जहां पर आज का भारत है, पहले वहां पर भारत नहीं था। भारत गोंडवाना महाद्वीप का एक हिस्सा था और दक्षिण की तरफ बहुत ज्यादा खिसका हुआ था। इन दो महाद्वीपों के बनने के बाद पृथ्वी के अंदर टेक्टोनिक भूगर्भ की प्लेटों में एक बार फिर से हलचल पैदा हो गई और इन हलचलों के कारण भारत धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसकने लगा। लगातार खिसकता ये भारत आज की यूरेशिया महाद्वीप में मिलने लगा और इस कारण से गोंडवाना और लोरेशिया नाम के महाद्वीपों के बीच में टेथिस सागर का जन्म हुआ। भारत अभी भी पूरे तरीके से यूरोप और एशिया महाद्वीप से नहीं मिला था। भारत और यूरोप एशिया महाद्वीप के बीच में अभी भी टेथिस नाम का सागर था। उस समय भारत लगभग 40 किलोमीटर की रफ्तार से हर साल लगातार उत्तर की ओर बढ़ रहा था। लगभग 8 करोड़ साल पहले भारत की स्पीड बढ़ी और भारत लगभग 150 किलोमीटर की रफ्तार से उत्तर की तरफ बढ़ने लगा। भारत की ये रफ्तार लगातार 3 करोड़ सालों तक चलती रही। भारतीय उपमहाद्वीप की एशिया की तरफ बढ़ने के कारण टेथिस सागर की तली ऊपर उठने लगी और सागर वहां से सिकुड़ने लगा। लगातार चलती इस प्रोसेस के कारण एक दिन टेथिस सागर खत्म हो गया। टेथिस सागर की तलहटी में जमा कीचड़ और पत्थरों ने एक नए पहाड़ को जन्म दिया। टेथिस सागर का वो पानी दक्षिण की तरफ चला गया। भारत की इस तरह से उत्तर की तरफ बढ़ने की ये रफ्तार अभी भी कम नहीं हुई थी। आज से लगभग 5 करोड़ साल पहले जब भारत का निर्माण करने वाली सेंटिमेंट एवं एंडोमॉर्फिक रॉक आपस में टकराई तो इसके कारण पर्वतीय क्षेत्र में जगह ऊपर उठने लगी और इन प्लेटों के टकराने से ऊपर की ओर उठती इस जगह के कारण एक नई पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ, यानी हिमालय का जन्म हुआ। भूगर्भ वैज्ञानिकों की माने तो भारत को बनाने वाली प्लेट जाकर तिब्बतियन प्लेट से टकराई तो इसके कारण भारत का निर्माण करने वाली प्लेट तिब्बतियन प्लेट के नीचे धंस गई। इस टक्कर के कारण भारत के उत्तर की तरफ बढ़ने की गति बढ़ गई, क्योंकि वैज्ञानिक मानते हैं कि जब किसी प्लेट के नीचे कोई दूसरी प्लेट धंसती है तो इससे प्लेट के और अंदर धंसने की स्पीड दोगुनी हो जाती है, जिस कारण भारत के उत्तर की तरफ बढ़ने की स्पीड भी दोगुनी हो गई। लगातार धंसती इस प्लेट ने अपने ऊपर रखे भूगर्भ मटेरियल को भी सिकुड़ना शुरू कर दिया, जिससे मटेरियल एक जगह इकट्ठा होते हुए एक बड़े टीले की शक्ल लेने लगा। वैज्ञानिकों को इस थ्योरी पर इसलिए विश्वास है क्योंकि हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले भूगर्भ के अवशेषों के अध्ययन के बाद भूगर्भ वैज्ञानिकों ने पाया है कि यहाँ पर ऐसी घटना ही हुई थी कि दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराई थी, जिससे एक टेक्टोनिक प्लेट नीचे धंस गई थी। भूगर्भ विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंदर पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचलों के साथ साथ बड़े बड़े पहाड़ और टेक्टोनिक प्लेट्स तथा उनके पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हिमालय के उद्भव से पहले का भारत अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था, यानी भारत की सीमाएं पहले अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप तक फैली हुई थी। लेकिन लगभग 10 करोड़ साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप इन महाद्वीपों से अलग होकर उत्तर की तरफ बढ़ने लगा। भारत को इन महाद्वीपों से अलग होकर अपनी आज की स्थिति तक पहुंचने के लिए लगभग 6 लाख किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा। इस सफर को तय करने के लिए भारत को लगभग 6 करोड़ साल लगे। वैज्ञानिकों का कुछ वर्ग हिमालय को 6 भागों में बांटता है, जिनमें से प्रमुख भाग है शिवालय, हिमालय, लेजर हिमालय, ग्रेट हिमालयन, एशियन हिमालयन और ट्रांस हिमालयन। हिमालय के इस तरह वर्गीकरण का कारण उसकी अलग अलग ऊंचाइयों के आधार पर किया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर पाए जाने वाली जियोलॉजिकल स्थिति के आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया गया है। सब हिमालय का जन्म भी पृथ्वी पर होने वाली एक भयानक टक्कर का ही परिणाम है। ये हिमालय का सबसे कम ऊंचाई वाला वो हिस्सा है जहाँ पर गंगा नदी अपना मैदान बनाती है। ऐसा माना जाता है कि हिमालय का ये सब हिमालय भाग पहले पेनिनसुला प्रायद्वीपीय पहाड़ का ही हिस्सा था, लेकिन लगभग 184 करोड़ साल पहले
शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू होने के कारण ये पेनिनसुला प्रायद्वीपीय पठार से अलग हो गया और एक नए पहाड़ सब हिमालय का जन्म हुआ। हिमालय का ये सब हिमालय भाग लगभग 80 किलोमीटर चौड़ा है। ये उपजाऊ घाटियों और खतरनाक जंगलों से भरा हुआ है। यहाँ पर 6000 फीट से लेकर के 10000 फीट की ऊंचाई तक खतरनाक जंगल पाए जाते हैं। सब हिमालय का ये भाग उत्तर कश्मीर से लेकर मसूरी रेड के धौलागिरी तक पाया जाता है। साथ ही साथ सब हिमालय का ये भाग पूर्व में सिक्किम और आसाम तक फैला हुआ है। सब हिमालय से ही गंगा नदी निकलती है, इसलिए ये हिमालय का सबसे उपजाऊ भाग है। यहाँ पर प्राकृतिक संपदा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। हिमालय की तलहटी में पाई जाने वाली चट्टान प्री क्रैम्बियन काल में बनी थी। इन चट्टानों में आज भी समुद्र की गहराई में पाई जाने वाली चट्टानों की तरह लहरों के निशानों को देखा जा सकता है। साथ ही साथ इन चट्टानों से करोड़ों साल पहले हुई भूगर्भ टेक्टोनिक प्लेट के टकराव को भी साफ साफ देखा जा सकता है। इन चट्टानों पर बनी पानी की लहरों के निशानों से ये पता चलता है कि करोड़ों साल पहले ये चट्टान पानी के नीचे रही थी। इससे इस बात को बल मिलता है कि जहाँ पर आज ग्रेट हिमालय है, वहाँ पर पहले कभी टेथिस नाम का एक सागर हुआ करता था। इन चट्टानों के बीच में काफी गड्ढे भी देखे जा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये नर्म गड्ढे उस समय पाए जाने वाले नरम शरीर वाले बायोटा की मौजूदगी के कारण है। इस जगह पर काफी जीवाश्म भी मिलते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि उस टेथिस सागर में एक कोशिकीय और बहु कोशिकीय जीव भी पनप रहे थे। इन चट्टानों में हमें यहाँ पर मजबूत खोल वाले पानी में रहने वाले जीवों के भी जीवाश्म मिलते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि टेथिस सागर में उस समय पूरी तरह से जीवन पनप चुका था। यहाँ स्पीति घाटी में बनी चट्टानी क्रैम्बियन युग में बनी चट्टानों के समय का सबूत है। इन चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म इशारा करते हैं कि ये चट्टानें कभी समुद्र का हिस्सा रही थी। इसलिए माना जा सकता है कि इन स्थानों का निर्माण समुद्र में होने वाली हलचल के कारण ही हुआ। इस घाटी में ऊपर की तरफ राइट डेवोनियन मार्ग कोट राइट चट्टानें पाई जाती हैं। इन चट्टानों में मिलने वाले सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इन चट्टानों का निर्माण समुद्र की तलहटी और उसके पानी के कारण हुआ था। इससे हमें पता चलता है कि इन चट्टानों का निर्माण भी समुद्र की तलहटी में हुए परिवर्तन के कारण ही हुआ था। साथ ही साथ इन चट्टानों के सबसे ऊपर के भाग में हमें ऐसे जीवाश्म के अवशेष मिलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उस समय समुद्र में ही मिल सकते थे, जिसके कारण इस बात की पक्की पुष्टि हो जाती है कि हिमालय का निर्माण सिर्फ और सिर्फ टेथिस सागर में हुई पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट की हलचल के कारण ही हुआ था। ग्रेट हिमालय के नॉर्थ साइड में ट्रांस हिमालय स्थित है। इसे तिब्बतियन हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। आज से करोड़ों साल पहले जब भारत की टेक्टोनिक प्लेट तिब्बतियन टेक्टोनिक प्लेट से टकराई थी, तो इसके कारण उसके ऊपर का भूभाग सिकुड़ने लगा और ऊपर उठने लगा। ऊपर उठने और सिकुड़ने की ये प्रक्रिया लगातार लाखों सालों तक चलती रही। इस कारण से यहाँ के पहाड़ों में काफी ऊंची ऊंची चोटियां बन गई। यहाँ के पठारी भाग में इस जगह के फोल्ड होने और ऊपर उठने के अनेकों सबूत साफ साफ देखे जा सकते हैं। इन चट्टानों के फोल्ड होने की वजह से बहुत से जीव इन चट्टानों के बीच में दब गए। यहाँ पर ऐसे अनेकों जीवाश्म मिलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ टेथिस सागर में ही पाए जाते थे। टेथिस सागर में पाए जाने वाले त्रिलोबाइट और राखियोपोड जैसे जीवों के जीवाश्म यहाँ की ऊंची ऊंची चोटियों में ही पाए जाते हैं। हिमालय की ये पर्वत श्रृंखला भारत की जलवायु को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। हिमालय को भारत का पहरेदार इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये उत्तर से आने वाली यूरेशिया की ठंडी ठंडी हवाओं को भारत की दूसरी तरफ से ही रोक लेता है, जिसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप में यूरेशिया जैसी ठंडी हवाएं प्रवेश नहीं कर पाती है और भारत का तापमान माइनस में नहीं जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र लगातार विकसित होते रहते हैं। साथ ही साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ओर मुड़ी होने के कारण यहाँ से बनने वाले बादल लगातार उत्तर की तरफ बढ़ने लगते हैं। इन लगातार उत्तर की तरफ बढ़ते बादलों के बीच में अवरोध का काम हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखला करती है,
जिससे टकराकर ये बादल भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा करते हैं। इसी कारण हिमालय की चोटियों में बर्फ गिरती है। हिमालय में बहुत ज्यादा ऊंचाई के स्थान होने के कारण ये पछुआ हवाओं को रोक लेता है, जिसके कारण ये पछुआ हवाएं आगे नहीं जा पाती। वहीं दूसरी ओर हिमालय के छोटे स्थान पर ये तापमान बढ़ाने का काम करती हैं, जिसके कारण समुद्री स्तर और जमीनी स्तर पर तापमान में बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है, जिसके कारण जबरदस्त मानसून बनता है और इस जबरदस्त मानसून के कारण भारत में बारिश होती है। साथ ही साथ हिमालय में बहुत ज्यादा ऊंचाई के स्थान होने के कारण वहां पर चलने वाली ठंडी हवाओं के कारण मानसून की बारिश बर्फ के रूप में गिरने लगती है और इन बर्फ के रूप में गिरती बारिश के कारण यहां पर बड़े बड़े ग्लेशियर का निर्माण होता है। इन्हीं ग्लेशियरों के कारण हिमालय क्षेत्र से बहुत सारी नदियां निकलती हैं और भारतीय उपमहाद्वीप में पानी की पूर्ति करती है। साथ ही साथ गंगा ब्रह्मपुत्र जैसे नदी मैदान भी बनाते हैं। हिमालय से निकलने वाली सिंधु ब्रह्मपुत्र गंगा नदी के आसपास दुनिया की अनेक घाटी सभ्यताएं विकसित हुई, क्योंकि ग्लेशियर से निकलने के कारण इन नदियों में लगातार साल के 12 महीनों तक पानी रहता है। और ऐसा माना जाता है कि भारत के पश्चिम में पाए जाने वाले थार का रेगिस्तान भी टेथिस सागर का हिस्सा हुआ करता था। ऐसा भी माना जाता है कि जहां आज रेगिस्तान है, वहां पर पहले नदियां बहती थी। यही कारण है कि यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे अवशेष आज भी मिलते हैं। अनेक घाटी सभ्यताओं के मिलने वाले अवशेष इस बात के पुख्ता सबूत है कि इस क्षेत्र से नदियां गुजरती थी। ये सभी नदियां हिमालय क्षेत्र से होकर निकलती थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि मानव के विकास की यात्रा में हिमालय से निकलने वाली नदियों ने एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन टेक्टोनिक प्लेट के लगातार टकराने के कारण ऊपर उठे हिमालय ने नदियों की दिशाओं को मोड़ दिया और नदियां बंगाल की खाड़ी और अरब महासागर की तरफ मुड़ गई, जिसके कारण राजस्थान के क्षेत्र में पानी की बहुत ज्यादा कमी हो गई, जिससे यहाँ पर लगातार रेगिस्तान का विस्तार होने लगा। रेगिस्तान के लगातार विस्तार और पानी की कमी के कारण सिंधु घाटी सभ्यता के अंश खत्म हो गए, इसलिए यहाँ पर काली बंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसी सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, जिन्हें दुनिया की सबसे विकसित सभ्यता माना जाता है। भारत के उत्तर दिशा में पड़ने वाले उत्तरीय मैदान दुनिया के सबसे उपजाऊ मैदान में से एक माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन मैदानों का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां करती हैं, जो साल भर बहती रहती है। इस कारण इन मैदानों में सिंचाई के साधनों के लिए कभी पानी की कमी नहीं होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हिमालय से निकलने वाली नदियों के कारण भारत के उत्तरी मैदानों में लोग अपना पेट भरते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि हिमालय से निकलने वाली नदियां भारतीयों को जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उत्पादन की सुविधा उपलब्ध करवाती है, क्योंकि नदियों के साथ बहकर आने वाली मिट्टी से इन मैदानों का निर्माण होता है, जिनमें पर्याप्त मात्रा में जीवाश्म की उपस्थिति के कारण ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। भारत के इन उपजाऊ मैदानों का निर्माण आज से लगभग 7 करोड़ साल पहले जब हिमालय का निर्माण हुआ था, तब से माना जाता है। भारत के उत्तरी उपजाऊ मैदान 580,000 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं। 3 प्रमुख नदियों में से सिंधु नदी भारत के उत्तरी भाग को सींचते हुए इसे उपजाऊ मैदान बनाती है, तथा गंगा नदी मध्य भारत को सींचते हुए उसे सबसे ज्यादा उपजाऊ बनाती है। वहीं गंगा नदी का तो हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व है। हिंदू धर्म में तो इसे माता के नाम की भी संज्ञा दी गई है। वहीं हिमालय से निकलने वाली तीसरी नदी ब्रह्मपुत्र गुवाहाटी जैसे पूर्वी प्रदेशों को सींचने का काम करती है। भारत की प्रमुख नदी गंगा के मैदान को 4 भागों में बांटा जा सकता है। इसका पहला भाग बाबर लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है, जहाँ की जमीन सबसे कम उपजाऊ होती है, क्योंकि यहाँ पर रोड़े और कंकड़ की उपस्थिति इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर कृषि कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन गंगा नदी यहाँ से एकोपियंस फैंस के अवशेष को अपने साथ बहाकर लाती है,
जो इसके नीचे तराई बेल्ट का निर्माण करती है। यहाँ की तराई बेल्ट का इलाका नम और काफी दलदली मिट्टी से भरा है। यहाँ पर बहुत बड़ा वन क्षेत्र भी पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क यानी जिम कार्बेट नेशनल पार्क में स्थित है और इसके पूर्व में कांजीरंगा नेशनल पार्क में स्थित है। ये दोनों नेशनल पार्क भारत की बायोडायवर्सिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर करते हैं। मध्य नदी क्षेत्र में पड़ने वाले ऊंचे इलाके को बांगर कहते हैं। भारत की गंगा नदी के इस बांगर इलाके में रेतीली जमीन होने के कारण ये इलाका भी कृषि योग्य नहीं होता। गंगा नदी बांगर के बाद चौथा भाग आता है, उसे खादर कहते हैं। ये ऐसा इलाका है जहाँ पर इन नदियों में पानी बढ़ने के कारण यहाँ पर बाढ़ आ जाती है, इसलिए ये इलाके बाढ़ वाले इलाके हैं। लेकिन यहाँ पर पाई जाने वाली मिट्टी में एलुवियम की मात्रा बहुत ज्यादा कम होने के कारण ये मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। साथ ही साथ कालांतर में हुई टेक्टोनिक घटनाओं और उथल पुथल की भी ये जगह प्रत्यक्षदर्शी रह चुकी है। इस कारण से यहाँ पर उस समय की घटनाओं ने इस मैदान को बहुत ज्यादा उपजाऊ बनाया है। हिमालय क्षेत्र में अनेक प्रकार के वन्य जीव भी पाए जाते हैं, जो उसे काफी विविधता वाला और खतरनाक बनाता है। यहाँ पर वाइट बोर पाए जाते हैं, जिन्हें जंगली सुअर कहा जाता है। जंगली सुअर वैसे तो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पाए जाने वाले जंगली सुअर भूरे और काले रंग के होते हैं। यहाँ पाए जाने वाले जंगली सुअर सर्वाहारी होते हैं और वे कुछ भी खा लेते हैं। यहाँ पाए जाने वाले व्हाइट बोर दिन में सोने का काम करते हैं, तो वही रात में भोजन की तलाश में निकलते हैं। इनके अलावा यहाँ पर हिमालयन ब्लैक बियर की उपस्थिति बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर ब्लैक कलर के भालू पाए जाते हैं। इनके शरीर पर पाए जाने वाले लंबे लंबे बाल इन्हें हिमालय क्षेत्र में पड़ने वाली भारी बर्फबारी और ठंडे मौसम से बचाए रखती है। इनके शरीर में मोटी वसा युक्त चमड़ी पाई जाती है, जिसके कारण इन्हें सर्दियों के मौसम में खाना नहीं मिलने पर भी शरीर से ऊर्जा मिलती रहती है। लेकिन लगातार होते शिकार के कारण हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले काले जंगली भालुओं की संख्या में बहुत ज्यादा कमी आई है। हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले ब्लैक बियर अधिकतर पेड़ की शाखाओं पर रहते हैं। ये पेड़ की शाखाओं को नीचे खींचकर उन्हें आपस में मोड़कर अपने रहने के लिए जगह बनाते हैं। शाकाहारी भी होते हैं, लेकिन कई मामलों में मांसाहारी भी होते हैं, इसलिए इन्हें सर्वाहारी की श्रेणी में रखा जाता है। हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले ब्लैक बियर सर्दियां शुरू होने के साथ साथ हिमालय की ऊंची चोटियों से उतरकर घाटी मैदान में आ जाते हैं और यहीं सर्दी के खत्म होने तक रहते हैं। जब सर्दियों का मौसम खत्म हो जाता है, तब ये वापस हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में लौट जाते हैं। हिमालय क्षेत्र में सबसे खतरनाक शिकारी पाया जाता है, जिसे स्नो लेपर्ड कहते हैं। ये हिमालय क्षेत्र का दानव भी कहलाता है, क्योंकि ये बर्फ में रहता है और सबसे खतरनाक होता है। भले ही ये सबसे खतरनाक जानवर होता हो, लेकिन लगातार इसके भी शिकार होते रहते हैं, जिसके कारण आज इनकी संख्या में लगातार बहुत ज्यादा कमी आ रही है और इन्हें संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल किया गया है। ये मांसाहारी होते हैं और हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंगली सुअरों का शिकार करते हैं। इनके शरीर में हिमालय की हड्डी जमा देने वाली ठंड से बचने के लिए वसा की मोटी परत पाई जाती है। हिमालय में जंगली जानवरों के अलावा बहुत सुंदर सुंदर पक्षी भी पाए जाते हैं, जिन्हें पहली नजर में देखते ही आप काफी पसंद करने लगेंगे। इन सुंदर पक्षियों में से एक पक्षी है हिमालयन मोनल। हिमालयन मोनल हिमालय में पाए जाने वाला सबसे सुंदर और रंगीन पक्षी है। ये तीतर प्रजाति का ही एक पक्षी है। ये इतना सुंदर है कि इसे नेपाल ने अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया हुआ है। हिमालय में पाए जाने वाला ये पक्षी लगभग 16,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई पर रहता है। साथ ही रेड पांडा हिमालय के क्षेत्र में काफी ज्यादा पाया जाता है। ये एक स्तनधारी जानवर है जो भालू की प्रजाति का होता है। इसका आकार एक छोटी बिल्ली की जैसा होता है, साथ ही साथ इसकी पूंछ काफी गुच्छेदार होती है। हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाला ये रेड पांडा हिमालय के समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय वनों में आसानी से देखा जा सकता है।
काफी सुंदर दिखाई देने वाला ये रेड पांडा अपनी इसी सुंदरता के कारण आज खतरे के निशान तक पहुंच गया है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर ने रेड पांडा को सबसे संकटग्रस्त प्रजाति में शामिल किया है। इसकी सुंदरता के कारण इसका सबसे ज्यादा शिकार किया जाता है और ये माना जाता है कि इससे पुरुषों की कमजोरी की दवाइयां बनती है, इसलिए चीन में इसकी तस्करी सबसे ज्यादा होती है। ये प्रजाति इतनी ज्यादा खतरे के निशान तक पहुंच गई है कि पूरी दुनिया में अब सिर्फ 10,000 रेड पांडा ही बचे हुए हैं। हिमालय क्षेत्र में बहुत सारी ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती है, जिसके कारण ये साल भर पर्वतारोहियों और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। ऐसा माना जाता है कि हिमालय की इन पर्वत श्रृंखला में 110 से भी ज्यादा पर्वत चोटियां हैं, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 24,000 फीट या इससे भी ज्यादा है। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट तो पूरी दुनिया के पर्वतारोहियों के लिए एक चैलेंज रहती है। जो भी पर्वतारोही इस माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंच जाता है, उसका नाम दुनिया में अमर हो जाता है। हिमालय की ये चोटियां काफी अद्भुत और आश्चर्यजनक किस्सों से भरी हुई है। हिमालय में एक कैलाश पर्वत नाम की एक चोटी है जो माउंट एवरेस्ट से काफी छोटी है, जहां माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी होने के बावजूद भी यहां पर हर साल काफी लोग इसकी चढ़ाई करते हैं और अपना रिकॉर्ड बनाते हैं, तो वहीं आज तक कैलाश मानसरोवर के पहाड़ पर कोई चढ़ नहीं पाया है। कहते हैं कि हजारों लोगों ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है, लेकिन वे कभी भी इस पर्वत पर चढ़ने में सफल नहीं हो पाए हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पर्वत श्रृंखला पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं और इस कारण इस पर्वत श्रृंखला पर चढ़ने की कोशिश करने वाले व्यक्ति का सामना भयंकर तूफानों से होता है और व्यक्ति कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंच नहीं पाता है। सच्चाई क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन एक बात तो सच है कि आज तक कैलाश पर्वत पर कोई भी चढ़ नहीं पाया है। हिमालय क्षेत्र में ऐसा माना जाता है कि अधिकतर देवी देवता यहीं पर निवास करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इंद्र का साम्राज्य भी इसी हिमालय पर्वत की इन्हीं चोटियों में स्थित था। इन सभी बातों का चित्र पौराणिक कथाओं और वेदों में मिलता है। ये बातें इसलिए भी विश्वास करने के योग्य होती है कि हिमालय पर्वत के अधिकतर हिस्सों में आज तक कोई जा नहीं पाया है। वहां पर क्या है इसलिए आज तक ये एक रहस्य ही बना हुआ है। दुनिया के वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि समुद्र में ही जीवन का जन्म हुआ, लेकिन वे इस बात का पक्का सबूत नहीं दे पाते हैं कि दुनिया में जीवन कहां पनपा। लेकिन हिमालय की चोटियों में पाए जाने वाले अवशेष दुनिया के सबसे पुराने अवशेष होते हैं और इन अवशेषों के कारण ये कहा जा सकता है कि हिमालय की चोटियों या टेथिस सागर की गहराई में ही पहले जीवन पनपा था। और ये भी माना जाता है कि पहले मानव का जन्म हिमालय की चोटियों में ही हुआ था। सच्चाई क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन सच कहे तो हिमालय रहस्यों से भरा हुआ क्षेत्र है जो भारत को सुरक्षा प्रदान करता है और लगातार आज भी बढ़ रहा है। हिमालय एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी ऊंचाई आज भी बढ़ रही है, क्योंकि इसके नीचे होने वाली टेक्टोनिक प्लेट की टक्कर अभी भी रुकी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि हिमालय क्षेत्र भूकंप के लिए सबसे संवेदी क्षेत्र है और इसी संवेदी क्षेत्र के कारण यहाँ पर लगातार जमीन के नीचे परिवर्तनों का दौर चल रहा है, जो हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ा रहे हैं। बढ़ती हिमालय की ये ऊंचाई भविष्य में और क्या क्या परिवर्तन करेगी, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा एक रहस्य है।